आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है कि आप अपने जीभ को देखकर अपने सेहत का हाल जान सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं और या आपको कोई रोग होने वाला है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि पहले जो हमारे चिकित्सक होते थे, जो वैद्य होते थे, वो जब भी आप उनके पास जाते थे किसी बीमारी को लेकर, तो आपकी जीभ ज़रूर देखते थे। जीभ में वो क्या देखते थे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो आपकी जीभ को देखकर आपके पूरे रोगों को कैसे पता लगाते थे, उसके अनुसार ही आपकी चिकित्सा करते थे। यदि आपकी जीभ, आप जीभ को जब देखते हैं, बाहर निकालते हैं, यदि आपकी जीभ बैंगनी या नीले रंग की यदि हो रही है, तो इसका मतलब है आपका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त प्रकोपित हो चुका है आपका, जिससे आपको बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है या आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। अगर नहीं है तो समय रहते अगर उपचार नहीं किया तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है, आप समझ जाएं। यदि आपकी जीभ का रंग चमकता हुआ रेड है, लाल रंग का, यदि आपकी जीभ, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जीभ एकदम लाल हो जाती है, तो आप समझ जाएं कि आपको बुखार आने वाला है या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ चुका है, आप संक्रमित हो चुके हैं किसी भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, जरूरी नहीं कि वो कोरोना हो, कोई भी इन्फेक्शन, तो आप उसका समय रहते उपचार करें। यदि आपकी जीवा का रंग हल्के पीले रंग का है, तो आप समझ जाएं कि आपको पीलिया हो सकता है, आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका प्लीहा ठीक से काम नहीं, बॉडी में ब्लड ठीक से नहीं बन रहा, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, तो इसके लिए आप आयरन युक्त आहार जैसे अनार, चकुंदर, इनका प्रयोग आप ज़्यादा करना शुरू करें और गन्ने का जूस, इसमें बहुत लाभकारी है। और यदि आपकी जीभ पर हल्के पीले रंग की परत जमी हुई है, तो आपको सर्दी खांसी जुखाम का इन्फेक्शन होने वाला है, आपको आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है, तो आप समय रहते उपचार कर लें। और यदि आपकी जीभा पर वाइट कलर की परत जमी हुई है, तो आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, आपको अपने पेट को ठीक करने के लिए फलों का प्रयोग करो, सब्जियों का प्रयोग करें, सब्जियों का जूस, फलों का जूस अधिक मात्रा में आप प्रयोग करें और पानी अधिक मात्रा में पिएं, क्योंकि आपको यदि पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आपको कोई भी रोग हो सकता है। और यदि आपकी जीभ में आप कभी देखते हैं दरारें पड़ गई, तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो गई है, आप आंवले का प्रयोग करें, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और समय पर सोएं, समय पर उठें और प्राणायाम योग का अभ्यास करें। और यदि आपकी जीभा गुलाबी रंग की है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी जीभा एकदम पिंक कलर की होती है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवा को देखकर अपने रोगों का पता लगा सकते हैं, समय रहते उनका उपचार कर सकते हैं। तो आप स्वयं अपनी जीभ के रंग को देखकर अपनी सेहत का हाल जान सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को देख सकते हैं और उसको संभाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर लें। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने जीभ को देखकर अपने पेट के रोगों को जान सकते हैं, वो आपको YouTube पर मिलेगी, हमारे योग गुरु राजेश चैनल पर, आप उस पर जाएं और बहुत तरह के आयुर्वेद योग से संबंधित वीडियो आपको वहां पर मिलेगी। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।